हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर और वो भी क्रीमी। देखिए कितना बढ़िया हमारा क्रीमी पालक पनीर बना है। चलिए इसे हम बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी पालक पनीर बन के तैयार होगा, आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो पालक पनीर बनाने के लिए लहसुनी पालक पनीर, इसमें लहसुन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। तो लहसुन और अदरक, लहसुन को छोटे छोटे भागों में हमने कट कर लिया है और थोड़ा सा एक इंच अदरक ग्रेट कर लिया है, और दो मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, और 300 ग्राम पालक जिसको हमने अच्छे से धोकर वॉश कर और बॉयल कर इसका प्यूरी बना लिया है, और 250 ग्राम पनीर, कुछ खड़े मसाले, दो टमाटर प्यूरी और दो से चार चम्मच मलाई। मलाई आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं, ये घर की मलाई है। तो चलिए, और कुछ इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसे हम पहले गर्म करेंगे। और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी तेल खाते हो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा और चार से पांच लौंग और जो खड़े मसाले हैं उसको हम डाल देंगे। इसे हल्का सा हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को डाल देंगे, क्योंकि लहसुन को हमने गार्डन से भी है और थोड़ा सा हमने बचा लिया गार्ले के लिए, तड़का लगाने के लिए। और इसमें डालेंगे अदरक, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं जलाना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस कच्चापन इसका दूर हो जाए इतना हमें भूनना है। लहसुन हमारा भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को डाल देंगे इसमें। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारा भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, इसमें हम डाल देंगे। और इसे हम एक मिनट भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। दो से तीन मिनट हम अच्छे से भून लेंगे और इसी टाइम हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, इससे हमारा टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालना है और इसे हम दो से तीन मिनट अभी और भूनेंगे। टमाटर हमारा लगभग भून चुका है, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें पालक की प्यूरी, इसे हम डाल देंगे। और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ढककर तीन से चार मिनट हमें इसे पकने देंगे। ढककर पकाएंगे इसलिए कि ये अब उड़ने वाला है, इसके छींटे
आएंगे, इसलिए ढककर पकाना है। थोड़ा सा हल्का खुला रखना है, इससे इसका कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा ये, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए हमारा पालक भून चुका है, इसे स्लो कर देंगे क्योंकि इसके छींटे उड़ रहे हैं, इसे जलने का डर है। सावधानी से आप लोग इसे फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे, ये हमारा भून चुका है पालक, इसमें हम डालेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला, इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसे अपने हाथों से क्रश करके, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिला देंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी बहुत गाढ़ा हो चुका है। जैसी ग्रेवी आपको रखनी है आप वैसे रख सकते हैं, वैसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पनीर के टुकड़े, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। इसके जगह पर आप बटर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें घी डाल रही हूँ देसी घी। इसे एक मिनट के लिए और ढककर हम पकने देंगे, एक मिनट के बाद इसे हम गैस को बंद कर। फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर हो चुका है, अब गैस को हम बंद करते हैं, इसे साइड में करते हुए इसका एक तड़का बना लेते हैं। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी, और इसमें डालेंगे लहसुन, जीरा और लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च दो, अगर इसमें चाहें तो खड़ी लाल मिर्च बनाना होगा, देगी मिर्च भी आप इसमें तड़के में डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो तड़का हमारा हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे, इसे सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। बहुत ही डिलीशियस है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे, और हम इसके ऊपर से ये जो क्रीम है इसे हम डाल देंगे। और थोड़ा सा हम पनीर इस पर इसके ऊपर से हम क्रश कर देंगे। इसे देखिए कितना बढ़िया हमारा ये जो पालक पनीर है बनके तैयार हुआ है, और ये तड़का जो है ऊपर से हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पालक पनीर। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप तक अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।